उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। प्रियंका गांधी भी बुलंदशहर पहुंची, जहां प्रतिज्ञा यात्रा में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा भाजपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने बल पर लड़ेगी, गठबंधन नहीं करेगी, पार्टी को मजबूत करेंगे। इस प्रदेश में महंगाई और अराजकता को मिटाना है, लोकतंत्र दोबारा स्थापित करना है, हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। प्रियंका ने यह भी कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में विकास हुआ है, हमारे कार्यकाल में मनरेगा का काम शुरू हुआ, तो अब समय आ गया है कि करो या मरो। आज इस देश में जनता से लूट हो रही है, जनता महंगाई से परेशान हो रही है, लोग कमा नहीं पा रहे। लखीमपुर खीरी में किस तरह से किसानों को कुचला गया, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, किसान की पहचान नहीं है, ये सिर्फ सरकार अपना वोट बैंक पहचान रही है। इस दौरान प्रियंका ने 14 जिलों से आए 7400 पदाधिकारियों से संवाद किया, जिसमें शहर, ब्लॉक और न्याय पंचायत के पदाधिकारी उपस्थित रहे। लक्ष्य 2022 कांग्रेस पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन के नाम से 14 जिलों के 7000 पदाधिकारियों को हमने यहाँ पर बुलाया है, जिसमें हमारे ग्राम सभा के अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक शामिल हुए हैं। और इन सब पदाधिकारियों को प्रियंका गांधी इनसे संवाद करेगी, इनसे बात करेगी, अपनी बात कहेगी, इनकी बात सुनेगी और संगठन को आने वाले चुनाव में